हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, देखो भाई ऐसा है, यहां पर हर साल चेंजेस आते हैं बिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, गैस का बिल हो, रेंट हो, हाउस हो, उनके प्राइस बढ़ते बढ़ते हैं। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो क्या होता था कि 8,000 के ऊपर हमने एक रेंट पे बंदा चढ़ाया हुआ है, कमरा दिया हुआ है या घर दिया हुआ है, अगले साल भी 8,000 रहता है। पर यहां पर हर साल इंक्रीज होता है हर एक चीज में। बल्कि अगर आपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए बिल्डर के पास जाओगे, अभी घर आपने मान लो 5 साल पहले बनाना है, 5 साल बाद में बनाना है, ठीक है, लेकिन बिल्डर आपसे ये कहेगा कि भाई अगर आप आज बुक करवाते हो तो आपको ये प्राइस लगेगा, और जब आपने वहां 5 साल बाद बुक करवाओगे तो प्राइस डिफरेंस होगा। तो इसके चक्कर में बहुत से लोग जो होते हैं वो पहले से ही बुक करवा लेते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। जिस कंपनी का मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ, गैस यूज करता हूँ, उनका मैसेज आ जाता है कि 1 जुलाई से हमारे प्राइस में डिफरेंस आने वाला है। कम नहीं होते मैंने देखे, बढ़ते देखे हैं। एक मैं एग्जांपल देने वाला हूं मिल्क की। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2019 में, तब मिल्क का प्राइस था 3 लीटर मिल्क जो कोल्स में पुलिस में मिलता है 2.90 और समथिंग, मुझे याद भूल गया। और आज की डेट में 2023 में 4 साल बाद जो उसका प्राइस है डबल हो चुका हुआ है, 4 पॉइंट समथिंग हो चुका हुआ है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि जो बंदे आने वाले हैं 1 जुलाई के बाद, हर साल जब भी देख लो, जो आज रेट है, जैसे आप जून का महीना चल रहा है अभी 2023, ठीक है, 1 जुलाई से इंक्रीज होंगे सारे रेट। और बेटर ऑप्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूं कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो। तो सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि मुझे मैसेज क्या है। ये देखिए, आपकी आंखों के सामने है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो 4 फेसेस में पूरे दिन में चलता है, शोल्डर, पीक, ऑफ पीक, डेली सप्लाई। अब ये आपको इन डिटेल में कंपनी वाले बता पाएंगे। अब देखो, पहले क्या था, चार्जेस एज एट 30th of June 2023, और न्यू चेंजेस जो है वो इतने आ गए, 18.950 था, अब ये 24 पॉइंट समथिंग का हो गया डिफरेंस, 5 पॉइंट इतना दिखा दिया उन्होंने। पीक के ऊपर 38.2587 और उसका ये प्राइस बता दिया, 11 सेंट का तकरीबन यहाँ पर आ गया, मतलब 11% तक बढ़ गया। और ऑफ पीक जो है वो 22nd से लेकर 29 हो गया है, 6.5 समथिंग हो गया। और डेली सप्लाई जो होती है वो इतने सेंट पड़ेगा, मतलब ये हुआ कि अगर आप यूज़ करें चाहे ना करो, आपको इतने पैसे तो पड़ ही जाने हैं पर डे। डेली सप्लाई का मतलब तो यही हुआ ना कि आपको इतना डॉलर तो पड़ने। अब इस मुसीबत की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, हम आते हैं सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो भाई, दो तरह से आप घर ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया में रेंट के ऊपर, एक तो यूनिट होता है, एक होता है बड़ा हाउस जिसमें मैं रह रहा हूं। जब मैं यूनिट में रह रहा था वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ था, स्मार्ट मीटर में बिल बहुत ज्यादा आता है, पुराने मीटर जो है उसमें बिल बहुत कम आता है। बाकी अब ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, अपनी यूजेज कम कर लो, बाथरूम में बेफालतू नहाना बंद कर लो, पानी के साथ खेलना बंद कर, तो इससे बहुत चीजें आपकी बचेंगी। दूसरा बात, अगर आप बड़े घर में रहोगे, अगर एक बटन दबाओगे तो 6 लाइटें जगेंगी, यूनिट के अंदर रहोगे 1 लाइट ही जगेगी, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको अपनी लाइफ दे देता हूँ। जब मैं यूनिट में रहता था अकेला अपनी फैमिली के साथ, मैं, मेरी वाइफ और बच्चा, तो हमारा 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था 180 से लेकर 220 के बीच में, ठीक है। और अब मैं इस घर में रह रहा हूँ, अपने रिलेटिव के साथ भी रह रहा हूँ, तो उसका जो बिल बढ़ गया वो 600 समथिंग के पार हो गया, वो भी 1 महीने का। मैं यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर होते हैं इस घर में जो लगे हुए हैं, 1 महीने का बिल आता है मेरा, और उसमें 3 महीने का बिल आता था इलेक्ट्रिसिटी में। तो अब खुद हिसाब लगा कर चलो, अगर मैं 3 महीने के अकॉर्डिंग पे चलूँ, अपने रिलेटिव के साथ रहता हूँ, 1,200 बिल बन गया जहां पर मेरा 200 से 250 आता था, कितने गुना पैसे बढ़ गए, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन बढ़ गई है हमारी। एक बटन दबाओ 6 लाइटें जग जाती हैं, एक बटन दबाओ 4 लाइटें जग जाती हैं, वो यूनिट छोटा होता है, एक ही लाइट लगी होती है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इससे आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, जितना हो सके आप दो बेडरूम यूनिट में रहो ताकि आपके पैसे कम लगे। नंबर सेकेंड, जो वाटर
के पैसे होते हैं, अगर आप अकेले घर में रहते हो या इंडिपेंडेंट घर में रहते हो तो आपको खुद से पे करने पड़ते हैं, लेकिन यूनिट में आपको वाटर सप्लाई के पैसे नहीं पे करने पड़ते, जो कि मैं पीछे कर रहा था, वो सारे यूनिट इकट्ठे मिलकर मालिक करता है। तीसरी बात, गैस। गैस भी आपकी दो तरह की होती है। देखो गैस कहाँ कहाँ पर यूज होती है, तो वॉशरूम में यूज होती है, गर्म पानी जब आपने निकालना तब यूज होती है, तो उसका यूज कम करिए। और नेक्स्ट आता है कि अगर आपने कोई घर वगैरह बनाना है, पहले से कमिटमेंट कर सकते हैं, उस पैसे को लॉक कर सकते हैं कि हमने 5 साल के बाद बनाना है, लेकिन इसके चक्कर में हम अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत कर लेना। ध्यान से हर चीज को समझना। ये सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं कि मेरा तो ये मानना है कि अगर आप यूनिट में रहोगे तो बेनिफिट है, 3 बेडरूम हाउस में लोगे ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, पैसे सेव नहीं होंगे। शुरू के टाइम के ऊपर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैसे सेव करिए, क्योंकि अगर सेव करेंगे इन फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट जरूर होगा। अब इन शॉर्ट में आपको ये बताने का मेन मोटिव है वीडियो बनाने का कि यहाँ पर हर साल जो है वो महंगाई है बढ़ती है, वो तो हर कंट्री में बढ़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बता दिया कि कितने परसेंट तक बढ़ रही है। और अगर आप रेंट के ऊपर रह रहे हैं यूनिट का, और कोशिश करो अगर आपको उसकी लोकेशन अच्छी मिल जाती है, 2-2, 3-3 साल का मैं कहता हूँ आप एग्रीमेंट कर लो उसके साथ। उसका रीजन क्या है, इस साल प्राइस जो है मान लो $300, अगले साल वो प्राइस जो है बढ़ाएगा 320-330 करेगा, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो और उसके साल और बढ़ेगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आपको ये सारी दिक्कत नहीं आने वाली। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया आने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि आप अपना माइंड सेट कर पाओ, या आपको पता होगा कि यार ये चीज अभी चल रही है तो मुझे इतने पैसे खर्च करने कर पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम बैठे हैं यहां पर, जितनी हेल्प हो सके हम जरूर करेंगे। एडिलेड आओ, हमारे से कॉन्टेक्ट करना, जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।